नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल। फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में कौन सी कंपनी प्रथम स्थान पर पहुंच गई है? ए एयरटेल, बी रिलायंस, सी आदित्य बिरला या डी टाटा। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नारायणपुर के मथुरापुर में मिठाई दुकानदार के घर में घुसकर अपराधियों ने 10 लाख की लूट। नारायणपुर प्रखंड के भवानीपुर ओपी क्षेत्र के मथुरापुर बाजार में शनिवार की देर रात करीब 12:30 बजे दो की संख्या में हथियार से लैस बदमाशों ने घर में घुसकर नगद 10 लाख रुपए लूट लिया। घटना को छत के रास्ते प्रवेश कर बदमाशों ने अंजाम दिया है। बदमाश छत के रास्ते खुले दरवाजे से उस कमरे में प्रवेश किया जिस कमरे में मदन शाह रोज सोते हैं। मदन शाह का कमरा भी खुला था। यूं तो मदन शाह घर के किसी कमरे का दरवाजा नहीं लगाता है, जिसका फायदा बदमाशों ने उठाया। सोए अवस्था में मदन शाह को एक बदमाश ने जगाया जिसके हाथ में एक चाकू था। दूसरा बदमाश हथियार से लैस होकर कमरे के बाहर खड़ा था। नींद से जगने पर बदमाशों ने देसी कट्टा से उसके सर पर वार कर उसे जख्मी करते हुए कहा कि जहां रुपए रखता है वहां ले चलो। हथियार के नोक पर जख्मी हालत में मदन उस कमरे में ले गया जहां दराज में रुपए गिनती करने के बाद मदन ने रखा था। रुपए वाले कमरे का दरवाजा भी खुला था। यहां रुपए गिनने की मशीन भी थी जिससे रोज मदन गिनती किया करता था। दोनों बदमाश रुपए वाले कमरे में घुसकर दराज का चाबी मांगने लगा। डर से भयभीत होने के बाद मदन ने बदमाश को दराज का चाबी दे दिया। बदमाश ने उस चाबी से दराज खोलकर काले गमछे में सारा रुपए ले लिया। वहीं रुपए लेने के बाद दोनों बदमाशों ने कहा कि बाहर निकालो। मदन बदमाश को नीचे बाहर निकालने दरवाजे के पास ले गया। दरवाजा खोलने पर दोनों बदमाश पश्चिम की ओर मुख्य सड़क की तरफ भाग गए। घटना की सूचना पर भवानीपुर ओपी अध्यक्ष नीरज कुमार, एएसआई अनिल कुमार रविदास जवानों के साथ पहुंचे। घटना के बारे में मदन शाह ने भवानीपुर ओपी अध्यक्ष नीरज कुमार को सारी जानकारी दी है। इस घटना से संबंधित क्या जानकारी उपलब्ध करवाना चाह रहे हैं? देखिए, घटना तो हुआ है ना, घटना हुआ है और हम लोग उसको खोजबीन कर रहे हैं, देख रहे हैं। इनके तरफ से अभी FIR नहीं दिया गया है, फिर भी अनुसंधान मेरा जारी हो गया है। इसकी मैम हमको स्पेशल इस काम के लिए भेजी है और हमारा टेक्निकल टीम भी आई हुई है, तो हम लोग इसको भरसक प्रयास करते हैं कि जल्दी से जल्दी उद्भेदित कर दें और कोई भी होगा बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। कितनी राशि घर से ली गई है? ये अभी FIR में लिख के देंगे तभी बता पाएंगे आप। अच्छा, इसे सर लूट माना जाए, डकैती या चोरी? देखिए, जब अपराधियों की संख्या 5 से अधिक होती है तो डकैती माना जाता है। इनके अनुसार 2 लोग हैं, अंदाज लगाते हैं कि एक आध लोग और भी बाहर होंगे, तो ये लूट ही है, डकैती नहीं है। पुलिस क्या प्रयास कर रही है अभी के बाद? जो इनके द्वारा बताया गया है उस पर हम लोग काम स्टार्ट कर दिए हैं, टेक्निकली भी और मैनुअली भी, तो जल्द क्रिमिनल को पकड़ेंगे। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। नवगछिया में मार्शल आर्ट ताइक्वांडो एडवांस फाइटिंग प्रशिक्षण शिविर संपन्न। भागलपुर जिला ताइक्वांडो संघ के तत्वाधान में 2 दिवसीय मार्शल आर्ट ताइक्वांडो एडवांस फाइटिंग प्रशिक्षण शिविर का समापन नवगछिया हाई स्कूल में हुआ। शिविर के मुख्य प्रशिक्षक ताइक्वांडो कोच सह जिला महासचिव घनश्याम प्रसाद राष्ट्रीय रेफरी थे। वहीं इस अवसर पर ताइक्वांडो कोच मोहम्मद नाजिम, शिवम कुमार, खेल संघ के अखिलेश पांडे सहित कई अन्य उपस्थित थे। नवगछिया भाजपा कार्यालय में मनाया गया भीमराव अम्बेडकर की 65वीं पुण्यतिथि। जिला नवगछिया भाजपा कार्यालय में भीमराव अम्बेडकर की 65वीं पुण्यतिथि मनाई गई। मौके पर संगठन जिला नवगछिया भाजपा के जिलाध्यक्ष विनोद मंडल, पूर्व राज्य कार्यकारिणी सदस्य प्रोफेसर भोला कुमार, जिला प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह, जिला महामंत्री अरविंद चौधरी, जिला उपाध्यक्ष अजय सिंह कुशवाहा सहित कई अन्य उपस्थित थे। नवगछिया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मनाया भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नौगछिया इकाई के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि नगर मंत्री राहुल राजपाल के नेतृत्व में मनाई गई। मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अनु चौरसिया, नगर मंत्री राहुल राजपाल, नगर सह मंत्री पंकज कुमार, रवि बालकृष्ण, पीयूष कुमार सहित कई अन्य मौजूद थे। नवगछिया मास चेकिंग अभियान में 125 लोगों एवं 10 वाहनों से वसूला गया जुर्माना। नवगछिया एसपी स्वप्ना जी मिश्राम के निर्देश पर पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर सघन मास चेकिंग अभियान चलाया गया। रविवार को मास चेकिंग अभियान में विभिन्न थाना क्षेत्र के कुल 125 लोगों को बिना मास्क के सार्वजनिक स्थल पर गतिविधि करने पर जुर्माना किया गया। सभी से पुलिस ने कुल 6250 रुपए जुर्माना वसूल किया है। वहीं जांच अभियान के दौरान 10 दोपहिया वाहन से 10,000 रुपए भी वसूला गया है। नवगछिया में बोले जिला अध्यक्ष, भारत बंद का राजद ने भी किया समर्थन। देश के विभिन्न किसान संगठनों के द्वारा 8 दिसंबर को घोषित भारत बंद को राजद ने भी समर्थन देने की बात कही है। उक्त जानकारी देते हुए रविवार को नवगछिया पुलिस जिला राजद अध्यक्ष अलक निरंजन पासवान ने बताया कि पार्टी आला कमान के निर्देश के आलोक में राजद पूरे राज्य में पंचायत स्तर तक किसानों के भारत बंद को सफल बनाने के लिए सक्रिय व अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नवगछिया भवानीपुर गांव में जमीन विवाद में मारपीट, रंगरा थाने में दिया आवेदन। रंगरा के भवानीपुर निवासी दीपक कुमार झा ने गांव के ही पिंटू यादव, बहादुर यादव, दिनेश यादव के विरुद्ध जमीन विवाद में मारपीट कर घायल करने और छिनतई करने का आरोप लगाते हुए रंगरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु आवेदन दिया है। मामले पर रंगरा थाना अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। घटना क्या हुई थी सर अभी? आज पिंटू यादव जो 7 महीनों से लगातार मुझे परेशान कर रहा है, मेरे जमीन को हड़पना चाहता है जी। आज पुल गाड़ने के बहाने वो मेरे जमीन पर पुल गाड़ना चाहा, मैंने सहमति भी दिया, लेकिन उन्होंने आके 20-25 के साथ मेरे ऊपर जानलेवा हमला हाथ मुक्कों से और डंटा से मारना शुरू कर दिया। इस क्रम में मेरे गले का चैन भी टूट के किधर चला गया और मेरे जेब से भी 1,000 रुपया था वो ले लिया गया। इस प्रकार से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और हमें प्रशासन की तरफ से कोई सही सहयोग नहीं मिल रहा है। तो अभी आपने सर थाने में जो अभी आए थे इसका क्या किए हैं? तो मैंने थाने में पुनः एक आवेदन दिया, एक FIR उस पर ऑलरेडी हुआ है जी, और आज मैंने पुनः आवेदन दिया और थानाध्यक्ष साहब ने शायद FIR के लिए उसे अग्रसित किया है। पूर्व में की दिया गया FIR जो उसके ऊपर क्या कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं, अगर कार्रवाई होता तो आज मुझे पीटा नहीं जाता भरे दिन में और घर के सामने। तो जैसा कि आपने पूर्व में बताया कि आश्वासन मुझे मिला हुआ SDPO सर से, तो उसके ऊपर इन्होंने अभी क्या कहा जी? SDPO सर DIG साहब के निर्देश पर जी 2 दिन का समय लिए थे और सोमवार को बुलाया है, सोमवार को मुझे बुलाया गया था, लेकिन पिंटू यादव का मोह इतना बढ़ा हुआ है कि आज पिंटू यादव, नागे यादव और दिनेश यादव और बहादुर यादव इन सबों ने मिलकर और 10-12 अज्ञात लोग थे मुझे बुरी तरह से पीटा, तो क्या न्याय मिलना इतना मुश्किल होगा? तो हम लोग को गांव छोड़ के जाना पड़ जाएगा। तो आप क्या करते हैं? मैं एक शिक्षक हूं और आज मेरी प्रतिष्ठा को इन लोगों के द्वारा तार तार कर दिया गया। कृपया ध्यान दें कि अब खबर 1 मिनट के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। अब आपके शहर नौगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट, हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोतीपाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयां उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें, साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नौगछिया। संपर्क करें 9060127642, 9308708313। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट, घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नौगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़ स्टेशन के सामने, नौगछिया। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773, 93043 67170।
रंगरा पीएससी में 265 लोगों का कोरोना जांच, सबों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रंगरा में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजन कुमार के देखरेख में 265 लोगों का कोरोना एंटीजन से जांच किया गया, सबों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। डॉक्टर रंजन कुमार ने कहा कि इन दिनों लोगों को अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य वर्धक आहार लेना चाहिए, साथ ही अगर सर्दी बुखार या फिर सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत रंगरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आकर कोरोना जांच करवा लें। डॉक्टर रंजन कुमार ने कहा कि कोरोना से सतर्कता ही वर्तमान में इसका एकमात्र इलाज है। गोपालपुर, ग्रामीणों की शिकायत पर कार्यपालक अभियंता ने किया जल नल योजना की जांच। 45 लाख रुपए की लागत से तिनटेंगा करारी पंचायत के वार्ड नंबर 7 में पीएचईडी विभाग द्वारा कराए जा रहे हर घर नल का जल योजना में बोरिंग से लेकर पाइप बिछाए जाने की ग्रामीणों द्वारा मिली लिखित शिकायत के आलोक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कार्यपालक अभियंता इंजीनियर रंजीत कुमार व सहायक अभियंता इंजीनियर विकास कुमार ने ठेकेदार द्वारा कराए गए कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने ठेकेदार को तत्काल पाइप को उखाड़ कर नए सिरे से मानक के अनुसार गहराई में पुनः पाइप को गाड़ने का निर्देश दिया है। गोपालपुर, देसी कट्टा के साथ बदमाश गिरफ्तार। गोपालपुर पुलिस ने बीती रात गश्ती के दौरान कलंदी नगर के विनय कुमार सिंह उर्फ कारेलाल सिंह के देसी कट्टा व जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। ढोलबज्जा, देसी कट्टा व चार जिंदा कारतूस के साथ युवक को गिरफ्तार कर भेजा जेल। ढोलबज्जा के कदवा ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत ठाकुर जी कचेरी टोला में शनिवार की देर रात कदवा पुलिस ने एक युवक को देसी कट्टा व चार जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक गांव के ही दिनेश चौधरी के पुत्र मृत्युंजय चौधरी है, जो शराब के नशे में धुत थे। थानाध्यक्ष भूपेंद्र कुमार ने बताया कि गश्ती के दौरान गुप्त सूचना मिली थी कि मध्य विद्यालय ठाकुर जी कचहरी टोला समीप एक युवक शराब पीकर हंगामा कर रहा है। जैसे ही स्कूल के पास पहुंचे तो मृत्युंजय चौधरी पुलिस को देख बगल में ही ठाट फूस के बंगले में हथियार फेंक कर भागने लगा। जब उसे पकड़कर तलाश ली गई तो उसके पास एक लोडेड देसी कट्टा व विंडोलिया में 3 गोलियां बरामद हुई। गिरफ्तार युवक को रविवार के दिन न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295-830-773, 93043-67-170। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बूफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 7992499821। अब आपके शहर नवगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नवगछिया। संपर्क करें 9060127642, 9308708313। नवगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787, 7325052437। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ,
जहां उपलब्ध हैं एसी ननेसी कमरे, मंडप, बूफे काउंटर, हाईटी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 7992499821।